आ रही है उसका जिक्र करते हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है, बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में आग लग गई है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रायपुर का जिक्र कर रहे हैं, बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस में आग लगी है। शुरुआती जांच में यही कहा जा रहा है कि ये ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लगी। देखिए ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं। धुएं के गुबार से ये समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। काला धुआं, काले धुएं का गुबार ये आसमान में उड़ता आप साफ तौर से देख रहे हैं। हालांकि अभी क्या स्थिति बनी हुई है ये भी जानने का प्रयास करेंगे, पर ये तस्वीरें आप देखिए कितनी भीषण ये तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए। युगल, क्या ज्यादा अपडेट? ये देखिए, ये सब स्टेशन है, कोटा गुढ़ियारी में स्थित है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर डंप किया जाता है। नए पुराने दोनों तरह के जो ट्रांसफार्मर है वो रखे जाते हैं, पर एक तरह से भंडारण का ये केंद्र है और यहाँ पे अचानक आग लगी है। देख, अभी फिलहाल मौके पर दमकल की टीम है पहुंची है। आसपास में अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि अचानक से जैसे ही आग लगी तो ट्रांसफार्मर एकदम ब्लास्ट होकर जलने लगा था, ब्लास्ट भी हो रहा था, तो अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल वहां दमकल की जो गाड़ियां हैं, तीन गाड़ियां हैं, उसे मौके पर रवाना किया गया है और फायर फाइटर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। चूंकि ब्लास्ट हो रहा है इसलिए थोड़ी सी आग को काबू करने में दिक्कतें हो रही है, लेकिन बिल्कुल वहां पे दमकल की जो टीमें हैं लोग मौजूद है वहां पर, और साथ ही आसपास की जो इलाका है घनी आबादी भी का क्षेत्र है, तो ऐसे में जो खतरा है वो और भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो आग है उसे कूलिंग करने का काम है वो लगातार जारी है। बिजली विभाग का दफ्तर है चूंकि यहाँ पर लोग बहुत सारे काम भी कर रहे होंगे, क्या कहा जा रहा है शुरुआती जांच में? क्या कोई झुलसा है, कोई चपेट में इसकी आया है? और आसपास जो आप बता रहे हैं इलाका ऐसा है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां से क्या खाली करवा दिया गया है, इस बारे में क्या जानकारी है? जी देखिए, उनका प्रीमाइसेस काफी बड़ा है लेकिन घनी आबादी क्षेत्र है, आसपास के पॉस कॉलोनियां भी हैं, रिहायशी क्षेत्र है, और ऐसे में जो आग की जो लपटें हैं वो दूर दूर तक भी देखी जा सकती हैं। अब फिलहाल दमकल की गाड़ियों को वहां पर रवाना किया गया है, फायर फाइटर आग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल आग की वजह क्या थी, कैसे आग लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर भी काफी बढ़ा हुआ है, तापमान काफी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में ट्रांसफार्मर हीट भी होते हैं, और चूंकि 11 KV और अन्य जो 33 KV के भी जो लाइन्स है वहां पर गुजरी हुई है, फिलहाल तो ये जांच का विषय है, लेकिन अभी आग को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक 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 युगल, आप लगातार इस पर नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर की, इस वक्त तस्वीर बिजली विभाग के दफ्तर में, ये भीषण आग की तस्वीरें जहां पर धुएं का गुबार साफ तौर से उठता हुआ दिखाई दे रहा है और रिहायशी इलाका है, आग लगातार फैलती जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, भयानक ये मंजर, आग का गुबार, धुएं का गुबार ये आप देख रहे हैं। कोशिशें लगातार जारी हैं काबू में करने की, लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा है, जगह खाली करवाई जा रही है। बिजली विभाग के दफ्तर की तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बिजली विभाग के दफ्तर की, जहां पर ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप लिया, सब कुछ जल करके खाक हो गया है और लगातार आग फैलती जा रही है। आसपास रिहायशी इलाका भी है, वहां पर भी ये आग फैलने की पूरी पूरी आशंका है। हालांकि टीमें पहुंच चुकी हैं, अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके जल्द से जल्द इस आग को काबू में कर लिया जाए, पर लगातार आग फैल रही है। ये तस्वीर रायपुर की बिजली विभाग के दफ्तर की, भीषण आग की ये तस्वीरें, धुएं का गुबार, उससे समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। हालांकि शुरुआती जांच में यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ ट्रांसफार्मर में जिस वजह से आग लगी, जांच का विषय है, और साथ ही साथ लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा है, कोशिशें आग बुझाने की लगातार जारी है। भारत माता चौक के पास ये बिजली विभाग का दफ्तर है जहां पर ये आग लगी है और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देखते ही देखते ये देखिए किस तरह से आग फैली है, धुएं का गुबार देख करके समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी, और अब जो टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है।
शुरुआती जांच में यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ ट्रांसफार्मर में, जिस वजह से आग लगी। हालांकि जांच का विषय है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। भारत माता चौक के पास बिजली विभाग का दफ्तर है, जिसमें भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण ये तस्वीरें हैं। धुएं का गुबार, आग के गोले, आप देखिए किस तरह से आग बढ़ती लगातार जा रही है। आसपास पूरा रिहायशी इलाका है और यह आग फैलने की पूरी पूरी आशंका है। जिस तरह की आग लगी है, धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, काला धुआं आसमान में उड़ता साफ तौर से दिख रहा है। और इसी से ये लग रहा है कि ये आग और फैल सकती है, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है।